वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित्र अकेडमी पर उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है वीडियो क्लियर है ऑडियो क्लियर है यस yes. तो आज आने वाली है भाई एरेथमेटिक की सुनामी और सुनामी का मतलब है कि पिछले पांच साल में पाँच या छः साल पाँच से छः साल में पूछे गए एरेथमेटिक के जितने भी सवाल हैं आई बी पी, एस, पी औ, प्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो अच्छा खासा रिवीजन इस सेशन से आप लोगों का होने वाला है है ना एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन वाली ये क्लास है ठीक है तो शुड वी स्टार्ट स्टार्ट करें यस चलिए तो बिना देरी किए हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कम से कम आपका समय लूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा इस सेशन से तो सबसे पहले देखो दो के सवाल हम डिस्कस करेंगे फिर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तेईस बाईस इक्कीस बीस उन्नीस अट्ठारह है ना और 2023 के कुछ क्वेश्चन हम वेरिएबल बेस्ड जो हमारा बैच चल रहा है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी तो वो मैंने इंक्लूड किए नहीं है है ना जो हमने डिस्कस नहीं किए वेरिएबल वाले बैच में उन्हीं को इंक्लूड किया है चलिए

दिस इज टोटल सर्फेस एरिया विच इज इक्वल टू नाइन ट्वेंटी फोर ये किसके बराबर है नाइन ट्वेंटी फोर के बराबर है. Yes. गीता देवी जी पेड कोर्सेज में जो है हमारे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सवाल होते हैं दोनों तो रहते हैं तो 22 से अगर मैंने कैंसिल किया तो 22 टू टाइम्स 22 2 या 44 से रहा है काट दो 44 2 88 बचेगा 4 44 1 44 3 से गया 7 टाइम्स तो हम कह सकते हैं भाई x² x square, x x² 7² मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई यस वैल्यू ऑफ x 7 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h तो π मतलब 22/7 r² r की वैल्यू क्या होगी

ग्यारह का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं और का जो डिफरेंस है वो जीरो या मल्टीपल ऑफ इलेवन होना चाहिए तो का तीन नौ ये भी ग्यारह का मल्टीपल है 6 और, 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 और एक सात पांच और दो सात ये भी ग्यारह का मल्टीपल चारों नंबर ग्यारह के मल्टीपल है ना तो शायद इस तरीके से तो आपने नहीं किया होगा देखो सारे ही नंबर ग्यारह के मल्टीपल है ना आजकल एग्जामिनर वो नहीं रहे जो पहले रहा करते थे है ना अब एग्जामिनर भी स्मार्ट हो चुके हैं सारे के सारे बहुत स्मार्ट इस तरीके से रखते हैं कि लो भाई तुम शॉर्टकट लगा के दिखाओ जरा तो सवाल डिजाइन किए जाते हैं और जब तक एग्जामिनर खुद जानबूझकर ना देना चाहे एक ही ग्यारह का मल्टीपल में रखता हूं चलो है ना चेक करता हूं कितने लोग कॉमन सेंस यहां पर यूज करते हैं कितने लोगों को ये टेक्निक पता है तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नंबर केवल एक ही ग्यारह का मल्टीपल मिले इंटेंशनली अगर रखा है एग्जामिनर ने तभी मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा है ना तो के से तो तो सवाल नहीं होने वाला था। आई तो थिंक भरत ने पूरा ही सॉल्व किया होगा है ना चल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑन मंडे ट्यूजे वेन्सडेज वन थर्टी डिग्री एंड द टेम्परेचर ऑन मंडे इज फिफ्टी लेस देन डेट ऑफ वेंसडे and tuesday is 50 less than that on monday okay find the ratio of the temperature of tuesday and wednesday but फोर इस टू नाइन गीतम और भरत का आंसर अच्छा है फोर इज टू नाइन नितिन कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर विश मी लक फॉर आई बी पी रिजल्ट बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक नितिन लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है ना आपको एग्जाम तो आप सारे दे चुके हो सारी स्टेजेस जो है पार कर चुके हो तो अब तो जो होना था जो रिजल्ट है वो लिखा जा चुका है पहले से ही है ना उम्मीद कीजिए कि अच्छा आए इंद्रजीत, उत्कर्ष का भी आंसर आ चुका है यहां पर फोर टू नाइन चलिए देखते हैं देखो मंडे का जो टेम्परेचर है वेंस्टे से का तो days, Monday, तो का जो टेम्परेचर है वो वेंसडे से 50 कम है तो वेंसडे को अगर मैंने x माना तो मंडे को कितना होगा x माइनस फिफ्टी राइट एंड टेम्परेचर ऑन देन दैट ऑफ मंडे तो ट्यूजडे वाला इससे भी फिफ्टी कम है मतलब इसमें पचास कम करोगे तो एक्स माइनस सौ आ जाएगा तीनों का जो एवरेज है वो 130 है वो तो टोटल टोटल कितना इनका हो गया, इनका? हो गया 3X -150, 3X -150. अगर एवरेज 130 है तो टोटल कितना होगा इंटू थ्री थ्री नाइनटी है तो थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो गई थ्री नाइनटी प्लस इज वॉट फाइव फोर्टी तो so, x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री मुझे रेशियो किसका चाहिए यहाँ पर रेशियो चाहिए ट्यूसडे एंड वेंसडे का तो so, ट्यूसडे कितना हो गया x माइनस हंड्रेड यानी कि 80 और वेंसडे कितना हो जाएगा 100 सॉरी 180 राइट right? 80 और 180 का रेशियो चाहिए दो से काटेंगे फोर इज टू नाइन फोर इज टू नाइन दैट मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल देखें सभी लोग the expenditure of a is 4 times the saving of b okay and and the saving of a is 3 by 20th of the expenditure of b ratio of the income of a to b is 19 is to 24 and the difference between incomes of a and b is 2500 find the saving of a yes तो गीतम ने इसका आंसर दिया है फिफ्टीन हंड्रेड एनी वन एल्स का सेविंग ऑफ बी तो देर आर थ्री थिंग्स इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग एंड यू नो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग देर आर टू पर्सन ए एंड बी पर्सन है ए एंड बी ठीक है अब इन दोनों की इनकम का रेशियो मुझे दिया गया नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर इनकम रेशियो इज नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर ठीक है इनकम रेशियो डिफरेंस इनकम इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो इनकम का जो डिफरेंस है वो कितना है पांच यूनिट पांच यूनिट की वैल्यू पच्चीस सौ तो एक यूनिट की वैल्यू पांच सौ जब एक यूनिट की वैल्यू पांच सौ हो गई तो उन्नीस इंटू पांच सौ कितना हो गया उन्नीस इंटू पांच सौ पिचानवे सौ नाइनटी फाइव हंड्रेड चौबीस इंटू पांच कितना हो गया बारह हजार यह इनकी इनकम आ गई ठीक है राइट right? अब बोला है एक्सपेंडिचर ऑफ ए फोर टाइम्स द सेविंग ऑफ बी तो अगर सेविंग ऑफ बी है एक्स तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है फोर एक्स राइट एंड द सेविंग ऑफ एज थ्री बाई ट्वेंटी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी तो देखो सेविंग ऑफ ए क्या आएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वी कैन सी इट इज नाइनटी फाइव हंड्रेड माइनस फोर एक्स राइट और इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इनकम सेविंग सो इनकम सेविंग यानी बारह हजार माइनस एक्स राइट अब सवाल यह कहता है कि सेविंग ऑफ ए विच इज वॉट नाइनटी फाइव हंड्रेड माइनस फोर एक्स इट इज थ्री बाई ट्वेंटी ऑफ थ्री बाई ट्वेंटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी विच इज वॉट ट्वेल्व थाउजेंड माइनस एक्स रिलेशन मुझे दिया गया तो यहां पर होगा क्या कि ये हो जाएगा यानी सिक्स थाउजेंड माइनस थ्री एक्स एट्टी माइनस थ्री सेवन सेवन एक्स बराबर 90,000 माइनस 36,000 इस 54,000 तो 1 लक्ष 54,000 अजय uh, 77 का डबल होता है 154 सो so x की वैल्यू आ गई 2000 x की वैल्यू 2000 आ गई तो सेविंग ऑफ ए कितना है 95,000 9500 माइनस 4x तो 9500 माइनस 4 इनटू 2000 इस 8000 तो so 9500 माइनस 8000 इस व्हाट 1500 ऑप्शन डी इस करेक्ट यस पंद्रह स� चलिए अगला सवाल देखते हैं राम एंड सैम एंटर्ड इनटू अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फिफ्टीन इज टू एट आफ्टर वन ईयर सैम एडेड टू थाउजेंड आफ्टर वन मोर ईयर राम विद्रू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स द प्रॉफिट ऑफ राम इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन द प्रॉफिट ऑफ सैम फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ राम यस राम का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको बताना है तो टोटल टाइम यहां पर हमको दिया गया है थ्री इयर्स। टोटल टाइम थ्री इयर्स दिया गया तो राम एंड सैम सबसे पहले जो इन्होंने इन्वेस्ट किया इसका बिकॉज एक्चुअल वैल्यूज भी पर दी तो, 15x और 8x लेते हैं। तो वन ईयर के बाद इसने दो हजार एड किए ठीक है है तो 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 आप ये समझो कि जो जो हो 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 गया 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 ना वो वो तो पूरे के के लिए लिए जैसे इसने शुरुआत में invest किया और साल का अच्छा बाद में जो दो हजार रुपए किए हैं वो कितने साल बाद इन्वेस्ट किए हैं आप देख पा रहे हो एक साल बाद तो बच्चे कितने है? दो साल तो इसका ड्यूरेशन कितना होगा रिमेनिंग दो साल ठीक है बात करते हैं अगर शाम की तो श्याम ने जो इनिशियल इन्वेस्ट किया है वो तो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट हो गया उसके बाद एंड मोर मतलब पच्चीस तो तो मतलब तो तो वो पच्चीस परसेंट ज्यादा है श्याम के प्रॉफिट से तो अगर मैंने इसको चार माना तो ये पांच हो गया तो पच्चीस परसेंट मोर का मतलब रेशियो इज फाइव बाई फोर

कुछ गड़बड़ हो गई है शायद है ना ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है पर अच्छा राम ने विद्रॉ किए तो विड्रॉ अगर की तो यहां पर आएगा माइनस राम किएगा विद्रॉ किए पच्चीस सौ रुपये ठीक है पच्चीस सौ रुपये विदड्रॉ किए तो यहाँ माइनस आएगा तो माइनस का बारह सौ तो सिक्सटी एक्स इक्वल्स टू सोलह हजार फिर भी मिस्टेक है आफ्टर वन ईयर सेम एडिट अच्छा सेम एडिट उल्टा कर दिया सब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया सेम ने दो हजार रुपए एड किए हैं है ना तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनका है फिफ्टीन एक्स एंड एट एक्स तो तीन साल के लिए इसका इतना ही हो गया फिर इसने दो हजार रुपए एड किए एक साल बाद तो दो साल के लिए इसका ड्यूरेशन हो गया दो हजार रुपए का सेम की बात हो रही थी और राम ने पच्चीस सौ विद्रॉ की है तो राम का ये तो तीन साल के लिए हो गया आफ्टर वन मोर ईयर मतलब टोटल टो दो साल बाद राम ने विद्रॉ किए कितने पच्चीस सौ तो माइनस पच्चीस सौ लिखेंगे रिमेनिंग एक साल के लिए ठीक है एंड दिस रेशियो इज वॉट फाइव बाई फोर अब ठीक है पैतालीस इंटू चार कितना हो गया एक सौ अस्सी एक्स पच्चीस इंटू चार सौ यानी कि दस हजार हो गया ट्वेंटी फोर इंटू फाइव प्लस ट्वेंटी तो सिक्सटी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई थर्टी थाउजेंड तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फाइव हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू पांच सौ आ गई तो इन्वेस्टमेंट ऑफ राम कितना था फिफ्टीन एक्स तो फिफ्टीन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव हंड्रेड तो the right answer is option ठीक है, है क्लियर बात सभी को चलिए अगला सवाल सूर्या बॉट एन आयरन बॉक्स फिफ्टीन हंड्रेड एंड ऑल्सो स्पेंड ही सोल्ड द आयरन बॉक्स टू नलिनी एट द प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एंड नलिनी सोल्ड इट टू इंदू एट द लॉस ऑफ टेन परसेंट फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन इफ इंदू बॉट द आयरन बॉक्स फॉर एटीन नाइनटी ओके okay. चलिए बताइए जल्दी से So, सबसे पहले यहां पर गौरव का आंसर आया टू फिफ्टी दैन भरत गौरव अनु का आंसर भी टू फिफ्टी है, है। चलिए देखते हैं देखो सूर्या ने कितने में बाय किया मुझे नहीं पता लेट सपोज उसने टोटल एक्स रुपए उसका कॉस्ट आया है ना फिर उसने पंद्रह सौ रुपए उसमें स्पेंड की तो मतलब उसके लिए जो टोटल कॉस्ट पड़ा वो एक्स प्लस पंद्रह सौ पड़ा ना एक्स तो ओरिजिनल कॉस्ट था पंद्रह सौ रुपए अपनी जेब से उसने और लगाए

9 बाई टेन एंड इंदु ने इसको कितने में खरीदा 1890 में है ना एक्चुअली यहां पर मैंने उल्टा बोल दिया बात यही आएगी कि पंद्रह रुपए में तो उसने खरीदा था और x रुपीज तो उसने ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन में लगाए है. है ना तो टोटल कॉस्ट है ये तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 9 से इसको काट देते हैं है ना नौ से इसको काट देते हैं कितनी बार नौ इन टू दो बार से इसको काट देते हैं छह इंटू तीन अठारह छह इंटू पांच तीस तो एक्स प्लस फिफ्टीन हंड्रेड बराबर कितना आ गया पैंतीस इंटू पांच एक सौ पचहत्तर इंटू टेन वन सेवन फाइव जीरो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है ढाई सौ रुपए टू फिफ्टी यस चलिए अगला सवाल ट्रेन ए क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म of four-fifths of its length in 27 seconds and it also crosses 80 meter bridge in 19 seconds find the time taken by train a to cross a man traveling in train b in opposite direction if the speed of train b is 36 yes हाँ जी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ का फोर फिफ्थ है तो मैंने क्या कहा मैंने माना कि ट्रेन की लेंथ सपोज फाइव एक्स है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो हो गई वो फोर एक्स हो गई अगर ट्रेन की लेंथ फाइव एक्स है तो इसका फोर फिफ्थ कितना हो गया फोर एक्स वो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगी हम कह सकते हैं नाइन एक्स एल वन प्लस एल टू एंड डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टू टाइम होता है स्पीड कितनी है ट्रेन की हमें नहीं पता एंड टाइम लगता है ट्वेंटी सेवन सेकेंड स्पीड इन टू ट्वेंटी सेवन तो नौ से गया ये तीन बार तो so, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री एस के बराबर आ गई ठीक है अच्छा दूसरी कंडीशन मुझे दी गई है ये अस्सी मीटर के ब्रिज को क्रॉस करती है उन्नीस सेकंड में तो so, ट्रेन की खुद की लेंथ है फाइव एक्स और ब्रिज की लेंथ है अस्सी तो so, इतनी डिस्टेंस वो चलेगी स्पीड कितनी होगी एस एंड टाइम कितना लगता है

अब फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन ए टू क्रॉस मैन ट्रेवलिंग इन ट्रेन बी अब मैं सारे लोगों को डाउट होगा सर ट्रेन बी की लेंथ तो दे ही नहीं रखी भाई ट्रेन बी की लेंथ की जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं दे रखी है है ना वैसे मैं दे अगर एग्जामिनर इसमें ट्रेन की लेंथ दे, दे देता तो और अच्छा आता और मजा आता कुछ लोग उसको भी यूज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता उसको यूज करते एल वन प्लस एल टू करते देखो पर्सन बैठा है पर्सन पर एक मैन बैठा है मैन ठीक है ये ट्रेन इसको क्रॉस करना चाहती है इन दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है थीके? अब इसकी तो स्पीड तो तो मतलब आप यह समझिए मैन को क्रॉस करेगी तो यह पूरी डिस्टेंस थोड़ी चलेगी इसकी के है ये जो मैन है वो इसके सामने तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है इट्स लाइक मूविंग पर्सन

तो आंसर क्या आएगा टेन सेकेंड्स, ठीक है टेन सेकेंड्स, ऑप्शन बी ठीक है यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम टेकन बाय कार ए टू टू कवर किलोमीटर इज़ इक्वल टाइम टेकन बाय कार बी टू कवर टू एक्स किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ कार ए इज़ फिफ्टीन मोर देन दैट ऑफ बी स्पीड ऑफ कार बी इज इंक्रीज बाई फोर देन फाइंड द टाइम टेकन बाई कार बी टू कवर वन सेवेंटी किलोमीटर थैंक यू सो मच बिहारी भेंकर थैंक यू वेरी मच हां जी फाइव आर्स गीतम देवेश इन भारत का आंसर आ चुका है फाइव दे टाइम टेकन बाय कार ए टू कवर 3x किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय कार बी टू कवर 2x किलोमीटर ना तो हम ये कह सकते हैं कार ए और कार बी की स्पीड का रेशियो स्पीड का रेशियो 3:2 हो जाएगा बिकॉज़ टाइम सेम है दोनों को सेम टाइम लगता है एक 3x कवर करती है एक 2x अगर टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस एक जो गैप है, वो के बराबर है। मतलब बी की स्पीड कितनी हो गई दो इन टू पंद्रह तीस वही हो गई इसकी स्पीड पैंतालीस ठीक है आगे मुझे बोला गया स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाई फोर किलोमीटर पर आर तो कार बी की स्पीड हमने फोर से बढ़ा दी मतलब थर्टी फोर कर दी

फाइनली उसको कितना अमाउंट मिलेगा तो देखो टेन पॉइंट वन फाइव आप लेकर चलोगे और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में तो तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो इसको हम लगभग क्या मान सकते हैं टेन परसेंट मान सकते हैं आप प्रोस्त.

उसको आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम पीरियड तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा तो यहां पर भी दो हो गया, चार चौरासी प्लस चार अट्ठासी एट एट्टी टू तो आठ सौ बयासी रुपए की आपको इंटरेस्ट मिली तो ये कितना आ जाएगा फाइव जीरो 5082 जीरो एट टू दैट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है यहां पर एक शब्द यूज होना चाहिए था कि निकालना है मुझे ठीक चलो अगला सवाल प्रेजेंट एज ऑफ एज ट्वेल्व इयर्स मोर देन सी वाइल सी थ्री इयर्स यंगर टू बी रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू दे सिक्स इज टू फाइव फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी टेन ईयर्स हेन्स दस साल बाद बी एंड सी का सम क्या होगा बताइए भरत so, का आंसर है 107, गौरव का आंसर भी है 107। सो so, ए और बी का जो रेशियो है वो सिक्स है तो देर आर थ्री पर्सन ए बी एंड सी है ना ए बी एंड सी तो ए और बी का रेशियो अगर मुझे सिक्स इंस टू फाइव दिया गया है तो मैं इनको सिक्स एक्स और फाइव एक्स मान चलो मान लेता हूं and a is 12 years more than c so c must be 12 years less than a so c must be 6x minus 12 some of the ages okay and c is 3 years younger than b ठीक है c is 3 years younger than b मतलब b में से अगर मैं 3 minus करूंगा तो वो c के बराबर आ जाएगा 5x minus 3 बराबर 6x minus 12 right so x की value कितनी आ गई 9 ठीक तो b और c एजेस क्या आ गई देखो बी और सी की एजेस आ गई फाइव एक्स यानी यानी कि टू अब इनकी एजेस का सम अभी कितना समय सेवन और दस साल बाद इनका सम क्या होगा तो इसमें बीस एड होगा क्यों क्योंकि दो लोग हैं राइट दोनों दस दस से इंक्रीज होंगे जब दोनों दस दस से इंक्रीज होंगे तो टोटल तो में बीस इंक्रीज होगा मतलब टोटल आएगा इनका एक सौ सात दस साल बाद

108, यहां पर कई सारे लोगों ने आंसर दिया है चलिए देखते हैं जल्दी से सॉल्व करते हैं तो वाटर हो गया 1. 1 का रेशो है। है? 10 तो दस लीटर यहां से निकाल भी लोगे ना कितना भी निकाल निकालना रेशियो नहीं बदलता रेशियो वही रहेगा फोर इंस टू वन एंड इसके बाद मैंने क्या किया पच्चीस लीटर मिल्क एड कर दिया

है ना वन पार्ट की वैल्यू 25 सो दिस फाइव पार्ट्स इज इक्वल टू व्हाट 25 5 तो फाइव पार्ट्स इज इक्वल टू 125 राइट right? अब यहां पर इनिशियल क्वांटिटी कितनी रही होगी तो मैं कह सकता हूं कि भाई 125 में 10 वापस जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई 10 निकाल कर 125 आया है ना तो पहले कितना रहा होगा 135 रहा होगा 10 जोड़ दो वापस से तो यहाँ पर क्वांटिटी रही 135 लीटर मुझे टोटल नहीं निकालना है मुझे मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है तो मिल्क कितना होगा पर लीटर लीटर नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बीज थ्री फिफ्टी Both articles marked up 60% above the cost price. If the marked price of article B is 80 more than that of A, find the cost price of article A. Yes. Good morning, Praveen. अगर आप लोग किसी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में हो जहां पर पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स है ना ग्रुप स्टडी करते हैं तो वहां पर इस सेशन को थोड़ा सा अगर आप शेयर करोगे कर तो बेटर रहेगा वन ए एन बी के कॉस्ट प्राइजेस का सम दिया गया दोनों को साठ परसेंट ऊपर मार्क किया गया ठीक है दोनों को साठ परसेंट ऊपर मार्क किया गया मार्क प्राइस ऑफ बी इज एट्टी मोर देन दैट ऑफ मार्क प्राइस ऑफ बी इज़ एट्टी मोर देन दैट ऑफ ए तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकाल सकते हैं इसको अगर मैं ये कह रहा हूं कि दोनों आर्टिकल को साठ परसेंट ऊपर मार्क किया गया मतलब टोटल कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पर भी का 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 इंक्रीज होगा, होगा मतलब दोनों के का सम कितना है? 350. तो दोनों के के प्राइसेस 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 सम, सम सम कितना कितना कितना? है तो तो मार्क मार्क मोर, राइट? आ जाएगा कितना? ये, ये जोड़ूंगा

साठ तो परसेंट का मतलब कि ये दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए मतलब तो अगर तो सौ और एक सौ साठ का is to तो ये इसका कितना हो गया थर्टी टाइम्स हो गया तो इसका भी थर्टी टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी वन फिफ्टी राइट सो वन फिफ्टी इज करेक्ट आंसर विच इज नॉट देयर इन द ऑप्शन सरप्राइजिंगली वन फिफ्टी आ रहा है ना ठीक है सभी का 150 आ रहा है तो इसको हटा देते हैं 150 कर देते हैं गॉट इट क्लियर है लेट नोटिफिकेशन मिला है, सर कितनी क्लास मिस हो गई देखो अभय जी आपको पता होना चाहिए कि रोज 10 बजे क्लास होती है तो नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो आप 10 बजे चेक कर लिया करो हर चीज में आप नोटिफिकेशन चेक नहीं करते ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद जाकर चेक करते रहते हैं है ना किसी को देखते रहते हैं स्क्रॉल करते रहते हैं तो उसके लिए तो नोटिफिकेशन आता नहीं है उसका तो इंतजार आप नहीं करते ना अपने आप मन में इच्छा आती है और बस फेसबुक इंस्टा खोल कर बैठ जाते हो ना तो बेटर है कि इसी तरीके की अप्रोच आप पढ़ाई में भी लगाओ है ना अपने आप चेक करो हाँ बिल्कुल सत्य हमने देखो अपना बता दिया लास्ट सीन लास्ट सीन चेक करते हो आप बेटा लास्ट सीन उसने ऑफ कर रखा है व्हाट्सएप को भी पता है व्हाट्सएप ने भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंचा दी है कि लास्ट सीन हटाने का ऑप्शन है तो कोई फायदा नहीं है द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज थ्री टू फाइव ओके एंड अप्रोक्सीमेट टाइम टू कवर 60 किलोमीटर एंड 3 मीटर डाउनस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर 2 मीटर अपस्ट्रीम इज 16 आवर्स 10 मिनट्स तो वेरी इजी क्वेश्चन देखो अप्रोक्सीमेशन से घबराना नहीं है बड़ा आसान है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो थ्री टू फाइव है ना तो मैंने ये मान लिया कि डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम स्पीड जो है वो थ्री है सॉरी डाउन स्पीड फाइव है और अपस्ट्रीम स्पीड है थ्री ठीक है तो आप कैसे चल रहे हो पर आप चल रहे हो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम तीन मीटर जो है 60 किलोमीटर के सामने है ही क्या नेग्लेजेबल इग्नोर कर दो है ना तो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आप चल रहे हो तो 60 अपॉन 5x प्लस अपस्ट्रीम आप चल रहे हो 60 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम भी 60 किलोमीटर कितनी स्पीड से 3x की स्पीड से टोटल टाइम आपको लगता है सोलह घंटे दस मिनट दस मिनट सोलह घंटे बहुत बड़ा टाइम है उसके सामने दस मिनट बहुत छोटा सा टाइम है इग्नोर कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन में आप इसको ठीक है तो पांच से गया ये बारह बार तीन से गया बीस बार तो बीस प्लस बारह कितना हो गया बत्तीस बत्तीस अपॉन एक्स की वैल्यू सोलह आ गई तो की वैल्यू यहां पर आ जाएगी दो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू आ गई एक्स की वैल्यू टू आ गई तो फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर थर्टी सेवन किलोमीटर अपस्ट्रीम तो थर्टी सेवन किलोमीटर एंड बात हो रही है अपस्ट्रीम की तो अपस्ट्रीम स्पीड है थ्री एक्स थ्री इंटू टू सिक्स यानी कि लगभग ये आएगा छह घंटे यानी कि ऑप्शन सी यस सिक्स चलिए अगले सवाल की बात करते हैं अगला सवाल देखो आपके सामने ये रहा। स्टेशन बी लाइज बिटवीन ए एंड सी ओके द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 400, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज़ 375। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू कवर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सीज सेम ठीक है ट्रेन को ए एंड बी के बीच में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम बी से सी तक की दूरी कवर करने में लगता है ठीक है इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर डिस्टेंस ए बी इज फोर्टी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाय विच इट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी ओके ट्राई कीजिए एक बार तो सारे सवाल आसान नहीं आते कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंदी भी आते हैं जैसे कि ये सवाल इन के हो सकता है सॉल्व करने में आसान हो लेकिन पढ़ने में तो थोड़ा लेंदी है ओके हरेका आई विल कंसीडर योर सजेशन एंड इट इज अ वेरी गुड सजेशन ऐसा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल इन वन वीडियो ठीक है ये भी मैं कंसीडर करता हूँ पहले ही हमारा ये जो वेरिएबल बेस्ड डीआई का जो कोर्स है ना ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसको कंसीडर करेंगे तो यहां पर देखो बी जो है ए और सी के बीच में लाए करता है ए बी एंड सी बी ए और सी के बीच में लाकर सवाल ये कह रहा है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस चार सौ है और बी और सी के बीच की डिस्टेंस तीन सौ पचहत्तर है ये हमसे कहा गया टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सेम मतलब टाइम सेम है टाइम सेम का मतलब क्या हुआ टाइम सेम का मतलब तो ये हुआ ना कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस बराबर रेशियो ऑफ स्पीड जब भी टाइम सेम होता है आप ये मान लो कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के, के बराबर होता है तो मुझे ये पता है कि डिस्टेंस चार सौ और तीन और पचहत्तर का रेशो क्या है पच्चीस से अगर काटेंगे तो पच्चीस इंटू पच्चीस इंटू पांच एक सौ पच्चीस का रेशियो है ठीक अब सिक्सटीन इंसू फिफ्टीन का अगर ये रेशो है अब सोलह यूनिट की वैल्यू मुझे यहां पर दी गई है कितनी

भाई सेम रेशियो का मतलब क्या है कि 400 को 40 किया तो 375 को 37.5 को ये स्पीड हो गई तो डिफरेंस इन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हाट इज द एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो गई भाई मेरे पास देखो एवरेज स्पीड में निकालता हूं टोटल डिस्टेंस है भाई कितनी सेवन फाइव सम देखो क्या होगा ये 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 भी भी तो हो गया कितना आ जाएगा दो इंटू तीन दो इंटू आठ सोलह दो इंटू सात चौदह दो इंटू पांच दस थर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव एंड इसका डिफरेंस किसके साथ निकालना है टाइम टेकन or, the speed of the train by which it covers distance between B and C, which is 37.5. So we need a difference between 38.75 and 37.5. So what is the difference? 1.25. Okay, 1.25. That means option B is correct. Clear? ठीक यस सो होपफुली आप समझ गए होंगे इस सॉल्यूशन को बड़ा आसान है

बारह ओके ट्वेल्व है यहां पर आंसर ऋतु की जो एफिशिएंसी है सिक्सटी परसेंट ज्यादा है राकेश से है ना सिक्सटी परसेंट मोर देन राकेश तो ऋतु एंड राकेश यहां पर लिख रहा हूं मैं कैपेसिटी का रेशियो और यहां लिखूंगा टाइम का रेशियो सिक्सटी परसेंट मोर का मतलब थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव सिक्सेंट मतलब राकेश को अगर 5 माना तो रितु हो गई यूनिट, इसकी यूनिट हो पीरियड इज वॉट एटीन डेज सो हम यह कह सकते हैं कि तीन यूनिट की वैल्यू कितनी है अठारह तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी छह जब एक यूनिट की वैल्यू छ हो गई तो राकेश का टाइम आ गया अड़तालीस और रितु का टाइम आ गया तीस तो टोटल वर्क कितना आ गया वर्क इज कैपेसिटी इंटू टाइम यानी एट टू फोर्टी आप यहां से भी निकाल सकते हो वो भी टू फोर्टी आए तो ये वर्क हो गया अच्छा राहुल की पच्चीस परसेंट सॉरी साढ़े बारह परसेंट कम है ऋतु से तो राहुल की राहुलसेंट का मतलब मतलब आठ पर एक कम है तो राहुल की एफिशियंसी हो गई है ना से एक कम किया तो सात हो गई तो टाइम टेकर भाई ऑल थ्री ऑल ऑफ देम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क तो टोटल वर्क है 240 तीनों मिलकर काम करेंगे किस रेट से काम करेंगे आठ प्लस पांच तेरह तेरह प्लस सात बीस बीस के रेट से काम करेंगे तो मिलकर समय लगेगा बारह दिन ठीक है ऑप्शन बी यस क्लियर अगला सवाल देखो ए एनुअली सेव्स फिफ्टीन एंड ट्वेंटी ऑफ इज इनकम इन 2017 and 18, एंड A इफ एनुअली 45,000 in 2017, इन the amount saved फाइंड द अमाउंट सेवड इन थाउजेंड एटीन ने सबसे पहले आंसर किया सिक्सटी थाउजेंड अनु का आंसर ऑप्शन सी सिक्सटी थाउजेंड मेरे अकॉर्डिंग आंसर है कैन नॉट बी डिटर्म क्यों भाई दोनों की इनकम का हमें कोई आइडिया नहीं है ना भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप 2017 में इसकी इनकम निकाल सकते हो भाई लेट सपोज कि इनकी इसकी इनकम है हंड्रेड एक्स दो में और 2018 में जो इनकम है वो है हंड्रेड वाई राइट अब इसकी जो सेविंग है वो पंद्रह है यहां पर यानी फिफ्टीन एक्स है और यहां पर कितनी बचाएगा ट्वेंटी वाई और मुझे दिया गया है कि 2017 में वो 45,000 बचाता है तो मतलब ये जो वैल्यू है 15x दैट इज इक्वल टू 45,000 तो यहां से आपको x की वैल्यू तो मिल जाएगी अच्छी बात है मिल जाएगी यानी 2017 में इसकी इनकम मिल जाएगी पर अमाउंट सेव्ड इन 2018 डिपेंड्स ऑन y बट y की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है so सो इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमिन यस परसेंटेज से दोनों ईयर को कंपेयर नहीं कर सकते भारत बिकॉज़ परसेंटेज वैल्यूज आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट डिफरेंट दोनों इनकम है है ना ये तो नहीं कहा गया ना कि दोनों दोनों में उसकी है तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंट मानेंगे अगला सवाल देखो जया एंड इन शिवानी इन्वेस्टेड 5000 थाउजेंड एंड सिक्स रेस्पेक्टिवली In a business after six months, Ria joined the business with the capital of 3000 and Jaya left. At the end of one year, the difference between the profit share of Jaya and Ria is 200. Find the profit share of Shivani. Yes. गौरव का ट्वेंटी फोर हंड्रेड सबसे पहले गौरव ने आंसर दिया, ने भी आंसर दिया 1200 सबसे पहले अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट को देखू तो इन्वेस्टमेंट है पांच हजार छह हजार और तीन हजार तो फाइव सिक्स ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया ठीक है अच्छा छह महीने बाद क्या होता है छोड़कर चली गई यानी six, six है ना और ने तो तो पूरे महीने के लिए इन्वेस्ट किया मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो right? तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम थ्री इन टू वन वॉट थ्री मुझे डिफरेंस किसका दिया गया जया एंड रिया दैट मीन दिस टू यूनिट्स की वैल्यू

रेशियो ऑफ द रेडियस टू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज सेवन टू सिक्स एरिया इज वन जीरो फाइव सिक्स टोटल सर्फेस एरिया मुझे बताना है वॉट इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हाँ जी टू टू एट एट वैभव ने सबसे पहले आंसर किया है लर्निंग प्लेटफॉर्म का आंसर भी सेम है ओके okay. इसको तो हम उस वाले मेथड से कर ही सकते हैं ना हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया मल्टीपल ऑफ पाई है ना पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन और जहां पाई आता है मतलब आंसर ग्यारह का मल्टीपल होना चाहिए अगर एग्जैक्ट पूछा गया है तो ग्यारह का मल्टीपल ये है कि नहीं आठों दो दस दो और एक तीन ये तो नहीं है ये आठों दो दस दो दो चार ये भी नहीं है ये आठों दो दस चार और दो छ ये भी नहीं है आठ और दो दस आठ और दो दस ये है ग्यारह का मल्टीपल ये दस और ये आठ ये भी नहीं है तो केवल एक ही नंबर है ग्यारह का मल्टीपल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो है ना ये तो एक बोनस क्वेश्चन है जहां पर ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए गए कि एक ही नंबर आपको ग्यारह का मल्टीपल मिला अगला सवाल देखो अगला सवाल है राम स्पेंड्स ट्वेंटी परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट टेन परसेंट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन फूड थर्टी परसेंट ऑन ट्रेवल टू फिफ्थ ऑफ द अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर इफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन ट्रेवल एंड द अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर इज इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड देन वॉट इज द मंथली इनकम ऑफ राम यस टेल मी हाँ जी बच्चों क्या आ रहा है बी आ रहा है ओके अनु एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म का आंसर बी आ रहा है एंड गौरव का आंसर भी सेम है चलिए देखते हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि उसकी इनकम सौ रुपये है है ना सौ रुपये मान लो बीस परसेंट उसने रेंट पर खर्चा कर दिया तो रेंट पर उसने कितना खर्चा किया इसका बीस यानी बीस रेंट पर खर्चा किया उसने बीस इसके आगे

10 कितना हो गया? 8 और अस्सी का तीस परसेंट आठ इंटू तीन चौबीस पर खर्चा किया एंड टू फिफ्टी गिफ्टिंग मदर को दे दिया ठीक है? तो मदर को कितना दिया टू फिफ्थ टू फिफ्थ किसका टू फिफ्थ किसका टू फिफ्थ मतलब फोर्टी परसेंट

एक यूनिट की वैल्यू सात सौ आ गई तो इनकम कितनी थी सौ यूनिट यानी कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दी है ना तो रिमेनिंग का टू, का बचा था। का टू कितना हो गया अस्सी का चालीस परसेंट इंटू चार बत्तीस रुपए ये आएगा ठीक है तो अब आप देखो तो इन दोनों का डिफरेंस यानी आठ रुपए की वैल्यू कितनी है 1, 1, 2, 0, 0. फोर्टीन हंड्रेड आ गया एक यूनिट तो सौ यूनिट जो इसकी इनकम थी वो किसके बराबर हो गई सौ से मल्टीप्लाई कर दो एक लाख चालीस हजार ऑप्शन बी यस ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पीड ऑफ बाइक इज टेन परसेंट लेस देन स्पीड ऑफ कार एंड बाइक टेक्स टू आवर्स मोर देन किलोमीटर डिस्टेंस वाइल्ड कार कवर थ्री हंड्रेड किलोमीटर फाइंड द स्पीड ऑफ बाइक बाइक की स्पीड मुझे बतानी है किलोमीटर पर आर में कितनी होगी यस yes. स्पीड ऑफ बाइक सॉरी थ्री हंड्रेड किलोमीटर तो बाइक को 180 सौ अस्सी किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा एक सौ अस्सी पॉइंट नाइन एक्स और कार को तीन सो किलोमीटर कवर करने में कितना लगेगा तीन सो पॉइंट टेन एक्स है ना इसको कितना लगता है दो घंटे ज्यादा लगता है ठीक है यस नहीं बाइक टेक्स टू आवर्स मोर देन कार्ट एट्टी किलोमीटर ले लेते हैं यहां पर तो कितना हो जाएगा बीस बीस माइनस अठारह यानी टू अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू तो एक्स की वैल्यू यहां पर आ गई वन इससे कैंसिल हो गया वन टाइम एक्स की वैल्यू वन आ गई वॉट इज द स्पीड ऑफ बाइक अगर कार तीन सौ कवर कर रहा है तो फिर तो ये नेगेटिव में आ जाएगा ना इच इज नॉट पॉसिबल तो इसको स्किप कर देते हैं सवाल में कुछ गड़बड़ है अगला सवाल देखते हैं रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमन टू दैट ऑफ ten इज the आफ्टर of, the of, of, the of their एजेस विल बी sixty nine. What इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड David?

And five into seven, thirty-five. So what is the difference? Difference is twenty-one. ठीक अब इतना भी करने की जरूरत थी क्या यहां पर नहीं थी आप ये बताओ दो लोगों के एजेस के बीच का जो डिफरेंस है आ, लेकिन रेशियो सेम नहीं रहेगा चलो हटाओ ऐसे ही कर दो इतना करना पड़ेगा बिल्कुल लर्निंग प्लेटफॉर्म ये एग्जाम भले ही ये कुछ कुछ क्वेश्चन सारा भी लेवल के आपको लग रहे हो लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स के हमारे 2020 अब तेईस और बाईस के तो हम कर चुके हैं ना बीस उन्नीस वगैरह में आई बी पी एस पी ओ प्री के एग्जैक्ट क्वेश्चन है ठीक है अब लेवल आपको जो भी लग रहा हो वो अलग बात है लेकिन ये एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं कुछ कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं और वो इस बार भी आएंगे पहले भी आते रहे हैं लेकिन समस्या ये हमारी निगाह केवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर जाती है 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 ना? हमें केवल लगता है कि जो मुश्किल सवाल हैं वही आई -पी प्री के क्वेश्चन हैं, है ना एग्जाम में आप देखिए सर्च कीजिए आपको आसान क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे हाँ जी A vessel contains total 95 liters mixture of milk and water in the ratio 15 is to 4. ठीक है. X liter mixture is taken out and 18 liters water is added in the remaining mixture. Then the new ratio becomes 3 is to 2. जब मैं X liter mixture यहाँ से निकालूँगा, तो ratio बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा. Ratio वही रहेगा. लेकिन जो total quantity है वो कितनी हो जाएगी? 95 minus X. भाई total quantity अब कितनी हो गई? 95 में से X liter मैंने निकाल लिया. तो रेशियो तो नहीं बदला लेकिन क्वांटिटी बदल गई टोटल 95 सेम बनाने लिए मैंने पांच से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिफ्टीन टू टेन इसको हटा दो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर छह यूनिट ऐड किया गया जो कि अठारह लीटर के बराबर है पानी तो एक यूनिट की वैल्यू तीन लीटर के बराबर हो गई ठीक है जब एक यूनिट की वैल्यू तीन लीटर तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? यूनिट, प्लस चार उन्नीस उन्नीस यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सत्तावन लीटर उन्नीस किसके बराबर है सत्तावन लीटर के बराबर और ये सत्तावन लीटर टोटल क्वांटिटी है वो किसके बराबर है 95 फाइव माइनस एक्स नाइनटी फाइव माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टी सेवन सो एक्स मस्ट बी नाइन फाइव माइनस फिफ्टी सेवन विच इज वॉट थर्टी एट एक्स की वैल्यू पूछी गई है मुझसे थर्टी एट आंसर है ऑप्शन चलिए अगला सवाल तो रेशियो तो तो मतलब बाईस में गए इक्कीस में गए आगे बीस आएगा उन्नीस आएगा शायद अभी इक्कीस वाले सवाल चल रहे हैं। दो हजार इक्कीस वाले तो वैसे वैसे सवाल आसान होते जाएंगे आपको पता चलेगा किस रेट से जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे है ना हर साल थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं वो जैसे कंपटीशन बढ़ेगा उस तरीके से लेवल भी बढ़ेगा वैकेंसी कम आ रही है है ना? है ना कंपटीशन ज़्यादा इस वजह से लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है फोर आंसर यहां पर आ रहा है तो रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम स्पीड इज फाइव इज टू थ्री तो

अगला देखो लर्निंग प्लेटफॉर्म कर रहे थे कितने टाइम की मैराथन है देखो टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे 25वां सवाल चल रहा है 48 सवाल में से ये पहली स्लाइड तो थंबनेल वाली निकाल लो टोटल 47 क्वेश्चन थे और उसमें अभी 25वां चल रहा है ठीक अब आप लगा लो आईडिया अब लगभग अब 45 मिनट का समय और मानकर चलो 45 मिनट में हम खत्म कर देंगे इसको है ना मैन इन्वेस्टेड एट थाउजेंड इन स्कीम ए एंड बी एंडल इंटरेस्ट नाइन परसेंट थ्री मिलेगी तो नौ परसेंट की रेट से तीन साल में मिलेगी सत्ताइस परसेंट तो इसका सत्ताईस परसेंट कितना हो गया एक परसेंट हो गया अस्सी आठ हजार का एक परसेंट हो गया अस्सी तो सत्ताईस परसेंट कितना हो गया अस्सी इंटू सत्ताइस प्लस दूसरी वाली स्कीम में भी उसने आठ हजार ही इन्वेस्ट किए इंटरेस्ट परसेंट के लिए अस्सी तो, 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 तो आ गया भाई कॉमन अंदर क्या बचेगा सत्ताईस प्लस बत्तीस यानी कितना हो गया फिफ्टी नाइन नौ इंटू आठ इंटू नौ बेहतर सात हो गया चालीस और सात सैतालीस फोर सेवन टू जीरो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन अगला सवाल देखो ए कैन डू ट्वेंटी वर्क इन टेज डेज बी कैन डू ऑफ द वर्क इन डेज ए एंड बी स्टार्ट टूगेदर एंड आफ्टर ट्वेल्व डेज बोथ आर रिप्लेस्ड बाई सी हु कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन थ्री डेज फाइंड इन हाउ मे डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन ओके ए काम दिन में करता है मतलब पूरे काम का हिस्सा वो दिन में करता है तो पूरा काम कितने टाइम में करेगा वन बाई सेवन कितने दिन में करेगा टू तो तो से काट दिया सिक्स तो वन बाई सेवन सिक्स डेज में तो पूरा वर्क वन यूनिट कितने में सेवन इंटू सिक्स इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 84 तो कितने दिन काम किया 12 दिन तो A और बी टोटल पांच के रेट से काम करेंगे बारह दिन ये मिलकर काम करते हैं उसके बाद सी इनको रिप्लेस कर देता है वो बचा हुआ काम तीन दिन में पूरा कर लेता है अब पूरा काम हो जाता है चौरासी यूनिट थ्री सी तो 3C की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी तो सी की वैल्यू आ गई एट सी की वैल्यू एट आ गई तो सी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा तो टाइम टेकन बाई सी इज टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी ऑफ सी एट सो इट इज वॉट टेन पॉइंट फाइव ठीक टेन पॉइंट फाइव डेज दैट मीन ऑप्शन डी क्लियर है यस लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन

थ्री सी बराबर चौरासी माइनस साठ कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा ना तो सी की वैल्यू आठ आ जाएगी हाँ तो सवाल देखो टू वन सिक्स जीरो यहां पर गीतम ने आंसर किया चलो देखते हैं टेबल को बीस परसेंट प्रॉफिट पर बेचा और चेयर को पच्चीस परसेंट प्रॉफिट पर बेचा दोनों के कॉस्ट प्राइसेस अच्छा ओके तो हम ये कह सकते हैं भाई देखो टेबल एंड चेयर

तो बारह बनाने के लिए मैंने इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 10 12. और बनाने के लिए इसको किससे तो होगा right? तो हो 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 अगर ओवरऑल सीपी करूं तो टेन प्लस और टोटल एसपी कितना हो 27. तो जो हो रहा है वो पांच यूनिट का हो रहा है जो कि किसके बराबर है चार सौ के बराबर तो एक की वैल्यू एससी के बराबर है?

सबसे पहले अक्षय ने यहाँ पर आंसर किया है ऑप्शन बी गीतम का आंसर भी है ऑप्शन बी ओके चलिए दो लोगों ने आंसर किया अभी तक कुछ पैसा उसने सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया एंड ही गॉट सिक्सटी परसेंट मोर अमाउंट आफ्टर एट ईयर सिक्सटी परसेंट मोर मतलब साठ परसेंट की उसे इंटरेस्ट मिली है ना साठ की इंटरेस्ट मिली है साल में ठीक है आठ साल में ठीक है तो आठ साल में हम कह रहे हैं कि भाई साठ परसेंट की इंटरेस्ट मिलती है तो नेक्स्ट पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया वो चार साल के लिए इन्वेस्ट किया तो चार साल में सेम रेट के अकॉर्डिंग अगर बिकॉज सेम सेम रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना तो चार साल में तीस परसेंट की इंटरेस्ट मिलेगी यस yes? यानी जो भी आपका पैसा है वो तीस परसेंट से बढ़ जाएगा ठीक है तो तीस परसेंट मतलब किसका तीस परसेंट जो आपने इन्वेस्ट किया छियानवे सौ तो इसका दस परसेंट है नौ सौ साठ तो तीस परसेंट कितना हो गया नौ सौ साठ इंटू तीन टू एट एट जीरो यस टू एट एट जीरो इज करेक्ट आंसर दैट मींस ऑप्शन बी कॉमन सेंस वाला सवाल था कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी है ना ऐसा नहीं कि आप प्रिंसिपल निकालने लग गए यहां पर अगला सवाल देखो a is 40% more efficient than b and both together can complete the work in 9 3 by 8 days if a works for first 5 days alone and remaining work is completed by b then find in how many days total work will be completed yes अनु ने यहां पर सबसे पहले आंसर किया है ऑप्शन ए एनीवन वन एल्स ओके ए फोर्टी परसेंट मोर एफिशिएंट देन बी है ना सो so ए और बी की एफिशिएंसी फोर्टी परसेंट मोर का मतलब कि अगर ये सौ है तो एक सौ चालीस होगा तो एक सौ चालीस और सौ का रेशियो कितना हो गया सेवन इज टू फाइव हो गया तो मतलब इसकी कैपेसिटी में सेवन मान लू और इसकी कैपेसिटी फाइव मान लू चलेगा दोनों मिलकर काम को नाइन थ्री बाई एट डेज में पूरा कर सकते हैं तो मेरे पास टोटल वर्क आ गया। दोनों मिलकर प्लस दो सौ पच्चीस अपॉन दो ये टोटल वर्क हो गया सवाल आगे क्या कह रहा है देखो ए वर्क फॉर फर्स्ट फाइव डेज अलो ए ने पहले पांच दिन काम किया तो ए एक दिन में सात यूनिट काम करता है तो पांच दिन में कितना करेगा सात इन टू पांच उसके बाद रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बी ठीक है तो रिमेनिंग वर्क बी कम कंप्लीट करेगा यानी के रेट से काम करेगा लेट सपोज एन डेज में और टोटल वर्क है टू ट्वेंटी काट दो सबसे पहले पांच 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 से गया पैंतालीस बार सो एन की वैल्यू फोर्टी फाइव बाई टू माइनस सेवन विच इज वॉट फोर्टी फाइव माइनस फोर्टीन विच इज थर्टी वन बाई टू ठीक है सो विच इज व्हाट? पॉइंट तो टोटल टाइम कितना लगा टोटल टाइम लगा पहले पांच दिन हो चुके थे ए ने अकेले पांच दिन काम किया और फिर बी ने फिफ्टीन पॉइंट फाइव डेज और काम किया टोटल टाइम हो गया ट्वेंटी पॉइंट फाइव डेज ट्वेंटी पॉइंट फाइव का मतलब ऑप्शन राइट? अगला सवाल देखो फोर अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अच्छा रेशियो यहां पर मिस हो गया चलिए इसको छोड़ देते हैं रेशियो गायब हो चुका है अगला सवाल देखो A man deposits 10% of his salary in PF. He saves 30% of the remaining. The ratio of his expenses on medicine and groceries is 3 to 4 of the remaining salary after saving. If his expense on medicine was 2700, वॉट वॉज द मंथली सैलरी यस जी, टेन थाउजेंड वैभव गीतम आशुतोष रितिका, प्रवीण वेरी गुड टेन थाउजेंड देखो, हम ये मान लेते हैं कि सैलरी उसकी सौ रुपए, है सबसे पहले उसने टेन परसेंट पीएफ में खर्चा मतलब इन्वेस्ट किया यानी दस रुपए इन्वेस्ट किया उसके बाद

तो एक की वैल्यू नौ नौ इंटू तीन सत्ताईस और नौ इंटू चार हो गया छत्तीस तो सत्ताईस तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू सौ हो गई जब एक यूनिट की वैल्यू सौ हो गई तो सैलरी हो गई सौ इंटू सौ यानी कि दस हजार रुपए ऑप्शन अगला सवाल देखें इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर

ऑप्शन बी आ रहा है सभी का सिक्स टू फाइव ओके मिल्क के 60% है ना 80 ग्राम मिक्सचर है अब देखो 80 ग्राम का मिक्सचर है और मिल्क है उसमें 60% तो वाटर होगा 40% तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 60 40 का रेशियो 60 और 40 का रेशियो मतलब कितना हो गया 3:2 तो मिल्क और वाटर का रेशियो है मतलब 3:2 ठीक तो है अब 80 ग्राम मिक्सर में से मैंने 20 ग्राम मिक्सर निकाल लिया तो 20 ग्राम निकाल भी लोगे तो रेशियो पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन टोटल हो जाएगा अब ग्राम बिकॉज अस्सी में से आप बीस निकाल चुके हैं तो साठ ग्राम हुआ है एंड उसमें हमने छह ग्राम प्योर वाटर एड कर दिया ठीक है तो अगर साठ को मैं थ्री के रेशियो में स्प्लिट करूंगा तो कितना आएगा पांच यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई साठ जब पांच यूनिट की वैल्यू साठ हो गई तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बारह तो बारह इंटू तीन छत्तीस और बारह इंटू दो चौबीस हो गया तो मिल्क हो गया इतना वाटर इतना हो गया मिल्क हमने प्योर वाटर कितना ऐड कर दिया छे, तो ऐड कर दिया तो अब मिल्क हो जाएगा छत्तीस ही रहेगा वाटर हो जाएगा तीस तो इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा सिक्स इंस टू फाइव छ से काटेंगे तो आएगा यस ऑप्शन बी क्लियर यस अगला सवाल देखो

तो देखो जब हम किसी चीज को मेल्ट करके एक दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं ना तो एक चीज कॉन्स्टेंट रहती है देन दैट इज वॉल्यूम तो वॉल्यूम यहां पर क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है तो हम ये कह सकते हैं अब दोनों की रेडियस भी इक्वल है तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच राइट दोनों बराबर है दोनों की रेडियस भी इक्वल है राइट right? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पाई से पाई को कैंसिल करेंगे आर स्क्वायर से आर टाइम्स कैंसिल हो गया सो so, आर और एच का रेशियो मेरे पास आ गया थ्री बाई फोर आर और एच का रेशियो आ गया थ्री बाई फोर फाइंड द रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज टू पाई आर इंटू एच प्लस पाई आर इंटू एच

12.5% D% and 25%. Shopkeeper made a loss of 16% on LED. Find the second discount allowed by the shop. तीन डिस्काउंट मुझे दिए गए हैं जिसमें दो दो नोन हैं और एक अननोन है तो अननोन वाला बताना है कैसे बताएंगे रेशो वाले मेथड से कर सकते हैं हम इसको यस yes. रेशो वाले मेथड से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो हैं कैसे करेंगे

ओवरऑल जो से से लॉस हो 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 रहा रहा है 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 वो कितने का रहा है? 16 का मतलब अगर ये 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 वैल्यू 100 है, तो 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 में 16 कम कर दो सक्सेसिव सक्सेसिव पर लगा सकते हैं तो लगाएंगे तो क्या बनेगा देखो कट जाएगा ठीक और कुछ कैंसिल कैंसिल होगा होगा नहीं चार हो तो हो हो so हो बार और तो ए और बी का रेशियो है फाइव बाई फोर मतलब ए से बी तक जाने में जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने का दिया गया वन बाई फाइव का एक की कमी की गई पांच परसेंट का डिस्काउंट मीन ऑप्शन बी यस चलिए अगला सवाल स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज ट्वेल्व एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज एक्स इफ द इफ इन ट्रेवलिंग टू सेवेंटी किलोमीटर अपस्ट्रीम बोट टेक्स 66 2 टू मोर टाइम देन ट्रेवलिंग टू किलोमीटर डाउन फाइंड द वैल्यू ऑफ की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना है तो लर्निंग प्लेटफॉर्म ने सबसे पहले आंसर किया है थ्री ओके okay. टू सेवेंटी किलोमीटर अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा और टू सेवेंटी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तो आप एक चीज देखो ना डिस्टेंस तो क्या है सेम हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होता है रिवर्स होता है तो टाइम का रेशियो क्या होगा पहले केस में वो चल रहा है अपस्ट्रीम और दूसरे केस में चल रहा है डाउन स्ट्रीम ठीक है टाइम का रेशियो क्या होगा हम कह सकते हैं मतलब होता है है मोर यानी कि अगर यहां पर यूनिट टाइम लग रहा है, तो यहां पांच यूनिट लगेगा तीन प्लस दो पांच तो टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा बताओ जरा स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा थ्री बाई फाइव हो जाएगा स्पीड रेशियो हो गया थ्री टू फाइव ठीक है और मुझे देखो एक्स uh, की वैल्यू बतानी है तो एक्स की वैल्यू बता सकते हैं अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी ट्वेल्व माइनस एक्स और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी ट्वेल्व प्लस एक्स तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो रेशियो है वो दिया गया है थ्री बाई फाइव एज पर दिस तो सिक्सटी माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स प्लस थ्री एक्स थर्टी सिक्स की ट्वेंटी फोर सो एक्स की, so की वैल्यू आ जाती है मेरे पास थ्री राइट सो आंसर इज ऑप्शन डी थ्री क्लियर है सभी को यस नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी फोर इगो वॉज फाइव टू थ्री आज से चार साल पहले ए और बी का रेशियो था फाइव टू थ्री चार साल पहले ए और बी का रेशियो था क्या फाइव इंस टू थ्री ठीक है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ना अब आप ये समझो कि चार साल पहले अगर इनकी एजेस थी फाइव एक्स और थ्री एक्स ये चार साल पहले एजेस थी तो करंट एज इनकी कितनी हो जाएंगी फाइव एक्स प्लस फोर एंड दिस इज ऑर थ्री एक्स प्लस फोर दोनों में चार चार एड कर दिए राइट right? और ए बी सी का जो सम है वो अस्सी के बराबर है ठीक तो सी की एज कितनी आ जाएगी सी की एज आ जाएगी या सी की, की एज आप वैसे निकाल लो ना सी की एज दोनों के सम के बराबर है क्वेश्चन में दिया गया है सी इज इक्वल टू समी यानी इन दोनों का सम कितना हो गया? 8X 8. और तीनों का जो टोटल जब मैं करूंगा तो कितना आएगा सोलह 8, 8 8, 16, 16 से गया एक बार सोलह से गया, गया पांच बार मतलब एक्स की वैल्यू आ जाती है पांच माइनस तो एक चार तो एजेंटेज क्या है ये मुझे बताना है तो प्रेजेंटेज एक्स प्लस फोर यानी फाइव इंटू फोर ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर ऑप्शन बी यस ट्वेंटी फोर इज करेक्ट आंसर अगला सवाल देखो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन टॉटर टू द स्पीड ऑफ दीम इज एट इज वन मैंने कहा कि स्पीड से चलेगी एंड फोर्टी टू किलोमीटर अप्रीम अप्रीम चलने का मतलब एक्स सेवन एक्स स्पीड से चलेगी मतलब चले so, दिया गया क्वेश्चन तो यहां से होगा क्या नाइन से गया सिक्स और सेवन से गया सवाल में पूछा डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट तो डाउन स्ट्रीम स्पीड एट एक्स प्लस एक्स यानी होगी और नाइन एक्स का मतलब नाइन इन टू थ्री ट्वेंटी सेवन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्लियर यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बस

तो जो गोल्ड की कीमत है वो किसके बराबर है अठारह हजार के बराबर तो हम कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई एक यूनिट की वैल्यू साठ हो गई तो सैलरी ऑफ मानो साठ साठ हजार हो गई ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेडियस ऑफ सर्कल इज बॉडीन वॉट इज द एरिया ऑफ अनदर सर्कल है एक्चुअल सर्कल ओके ओके okay, तो आप देखो कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी रेडियस फोर्टीन है तो दूसरे वाले की रेडियस 1.5 टाइम्स होगी मतलब इससे 50 परसेंट ज्यादा होगी इसका 50 परसेंट सात होता है सात जोड़ोगे एक के साथ जाएगा एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर ट्वेंटी टू बाई सेवन आर स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर तो, तो आप सॉल्व करके निकाल ही लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें ठीक है ओके okay, अगला सवाल देखो X liters of milk is taken out and replaced with water from a container having 240 liters milk. Now 20% mixture is taken out replaced with water. In the final mixture, the difference between quantity of milk and water is 128 liters. What is the value of x? Yes. हाँ भाई सब plan करेंगे mains की marathon भी आएगी काफी time है चिंता मत करो। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। मैं ओवरऑल मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी प्री के लिए भी प्रिपेयर नहीं है ना तो उसके उनके हिसाब से भी चलते हैं धीरे धीरे मेंस की मैराथन भी लेकर आएंगे तब तक मेंस के इतने सारे वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं आप उनको देख सकते हो प्लेलिस्ट भी है हाँ जी ट भी आ रहा है नाइन भी आ रहा है कुछ कुछ लोगों का टू फोर्टी लीटर्स मिल्क था उसमें से हमने मिल्क मिलाया निकाला, और उतना ही पानी मिला दिया ठीक है, मिल्क हमने यहां से निकाला और उतना ही क्या मिला दिया पानी मिला दिया नाउ ट्वेंटी परसेंट मिक्सर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वॉटर ठीक है ट्वेंटी परसेंट मिक्सर हम निकालते हैं पानी से रिप्लेस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज वन ट्वेंटी एट वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बताइए तो आप ये समझो देखो हम यहां पर ये यह कह रहे हैं कि पहले 240 लीटर मिल्क था ठीक है उसमें से मैंने x लीटर मिल्क निकाल दिया और उतना ही पानी मिला दिया तो अब मिल्क कितना दो सौ चालीस माइनस एक्स बचा, 240 -x बचा नहीं बचा और पानी कितना मिला दिया x लीटर तो मिल्क बचा 240 सौ चालीस माइनस एक्स और पानी बचा x लीटर ठीक है नाउ ट्वेंटी परसेंट मिल्क मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वॉटर बीस परसेंट मिक्सर जब हम यहां से निकालेंगे

तो 240 का 20% परसेंट यानी 48 लीटर मैंने रिप्लेस किया है और 48 लीटर इसमें क्या मिला दिया पानी मिला दिया 48 लीटर पानी मिला दिया गया तो इनिशियल क्वांटिटी सॉरी डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 128 तो मिल्क और वाटर का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा वी कैन से 24 8 इज व्हाट 192 0.8x एंड दिस इज व्हाट 0.8x 48 तो डिफरेंस के लिए देखो आ,

इज राइट आंसर काफी कम लोगों ने इसमें आंसर निकाला केवल शरद और इंद्रजी दो लोगों का आंसर आया तो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था अगला सवाल देखो ए कैन डू अ वर्क इन थर्टी सिक्स डेज बी कैन डू द सेम वर्क इन फोर्टी एट डेज ए वर्क फॉर एक्स डेज बी वर्क फॉर एक्स प्लस टू डेज देन वन थर्ड ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो ए और बी की कैपेसिटी आप देखो ए काम को कर सकता है 36 दिन में और बी काम को कर सकता है 48 दिन में एलसीएम लेते हैं तो 144 आता है ए की कैपेसिटी आ जाती है चार और बी की कैपेसिटी कितनी आ जाती है तीन। तो ए वर्क्स फॉर एक्स डेज तो ए एक्स डेज काम करता है यानी 4 x प्लस बी वर्क्स फॉर x प्लस 2 डेज एंड वर्क वर्क डन इज 1/3 ऑफ द टोटल वर्क ज वन थर्ड ऑफ दिस नंबर फोर्टी एट सो सेवन एक्स की वैल्यू फोर्टी टू हो गई तो एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स यही पूछा गया है ऑप्शन सी अगला सवाल अशोक की मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाई फोर्टी परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड गिफ्ट डिस्काउंट ऑफ टू ट्वेंटी फोर दो सौ चौवालीस रुपए का दो सौ चौबीस रुपए का डिस्काउंट भी देता है

दिस इज वॉट टू पॉइंट टू नहीं टू पॉइंट सॉरी वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर इन टू इलेवन इज वॉट फाइव फोर एक्स माइनस इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा ये इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया टू फोर एंड दिस इज सिक्स एंड दिस इज फोर टू फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स इक्वल्स टू वन फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स सही जा रहे हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव फोर एक्स इक्वल टू इसको ऐड हो जाएगा छः और चार दस हो गया दो पॉइंट हटाने के लिए दो जीरो लगाया नीचे फिफ्टी फोर से डिवाइड किया ठीक है नौ से काट सकते हैं छ बार नौ से काट सकते हैं नौ इंटू चार छत्तीस नौ इंटू पांच पैंतालीस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी छः इंटू सात बयालीस छः इंटू पांच तीस साढ़े सात सौ रुपए ये सी आ रहा है सीपी पूछा है हमसे यस सेवन फिफ्टी ऑप्शन है

जो पांच हजार गुना है तो पिंकी का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा इसमें पांच हजार से गुणा कर दो कितना आ जाएगा बीस हजार रुपए दो हजार अठारह के सवाल है आप देख लो दो हजार अठारह में क्या जमाना था कितने बढ़िया बढ़िया लेकिन सारे ही आसान नहीं थे वहां पर भी ये सिचुएशन थी है ना कि वहां पर भी सारे ईजी नहीं थे क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है कि 2018 से 2023 तक आने में स्टूडेंट्स बहुत होशियार हो गए हो या जनरेशन बदल गई हूँ पीढ़ियां बदल गई हूँ एग्जाम का पैटर्न भी वही है एक घंटे का टाइम पहले भी मिलता था अभी भी मिलता है है ना स्टूडेंट्स तब भी वही थे अब भी वही है थोड़ा बहुत उन्नीस बीस का फर्क आया है है ना तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदली हैं हाँ ये जरूर है कि थोड़ी थोड़ी चीजें ट्विस्ट कर देते हैं हमेशा हर बार है ना कई बार कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन डाल देंगे कई बार कुछ वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन अभी इनका ध्यान थोड़ा वेरिएबल वाले क्वेश्चन पर है पहले बीच में अरिथमेटिक बेस्ड डी का एक जमाना आया था फिर लॉजिकल डी का आया अब वेरिएबल बेस्ड का है तो हर बार चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती हैं लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं बदला है है ना प्री एग्जाम में बात करूं तो मेन्स में तो काफी बदल गया है है ना मेन्स में चीजें काफी अलग लेवल पर चली गई हैं टाइम टेकन टू अ सर्टिन डिस्टेंस एक्स किलोमीटर एट अ स्पीड स्पीड ऑफ ऑफ मोर देन टाइम टेकन टू कवर एक्स किलोमीटर एट द अस्पीडी ठीक है तो x किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 इतना टाइम लगेगा x प्लस 20 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 इतना टाइम लगेगा दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है एंड दोनों में डिफरेंस कितना है 2 आवर्स ठीक है तो एलसीएम अगर मैं लेता हूं इनका तो एलसीएम कितना आ जाता है 120 सो दिस इज व्हाट 3x 3x minus 2x minus 40 40

यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ मैन इन्वेस्टेड सर्टेन सम इन स्कीम एज फिफ्टीन परसेंट फॉर टू इयर्स एंड अर्न 1950 फिफ्टी सिंपल इंटरेस्ट भाई दो साल में कितनी इंटरेस्ट मिलेगी पंद्रह इंटू तो तीस परसेंट है ना तो तीस परसेंट किसी भी सम का तीस परसेंट किसके बराबर है इंटरेस्ट के बराबर जो कि इंटरेस्ट मुझे दी गई है कितनी उन्नीस सौ से अगर मैं काट दूं या तीन से ही काट दो से जीरो क्यों काटना तीन से काट दो दस परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तीन इंटू छह इंटू पांच छह सौ पचास सौ सौ परसेंट कितना पैंसठ सौ सिक्स जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया था वो पैंसठ सौ था इंट्रीस्ड द प्रिंसिपल बाई एक्स एंड इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम एट टेन परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू इन एंड रिसीव दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा पैंसठ सौ प्लस एक्स इंटरेस्ट कितनी मिलेगी बिकॉज सी है दो साल की दस परसेंट की रेट पर परसेंट मिलेगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती कितनी है सोलह सौ अस्सी 8000 हो गया तो एक्स की वैल्यू आठ हजार माइनस पैंसठ सौ यानी कि पंद्रह सौ हो गई ऑप्शन बी ठीक है बाकी तीन क्वेश्चन बचे हैं आप ट्राई कर लेना होमवर्क में होमवर्क में ट्राई करेंगे ये ये वाला वाला भी और ये वाला। मैंने लिखा थंबनेल पर पांच साल के क्वेश्चन लेकिन करा दिए आपको छह साल के 2018, 19, 20, 21, 22, 23 के जितने भी अरिथमेटिक क्वेश्चन प्री आईबीपीएस पी प्री में पूछे गए वो मैंने आपको यहां पर करा दिए ठीक है थीके? लर्निंग प्लेटफॉर्म तुम कौन हो भाई क्या तुम्हारी समस्या क्या है समझ नहीं आ रहा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये ये मेरे सवाल नहीं है है ना लेवल वगैरह की तुम चिंता मत करो आप और इतने सारे इस पूरे दो हजार वीडियो है इस पूरे चैनल पर आप देखो उसमें एक से एक लेवल के क्वेश्चंस है कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ से परे हैं आपके है ना ये मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने थे तो मैं कराऊंगा मैं जबरदस्ती अपनी तरफ से तो इसमें सवाल नहीं डाल सकता ना जो एग्जाम में पूछे गए वही कराएंगे इतना कॉमन सेंस है आपके अंदर है कि नहीं तो इतना कॉमन सेंस अगर है तो उतना आप लगाओ ना जब थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये पाँच साल के पिछले पाँच से छः साल में पूछे गए एरेथमेटिक क्वेश्चन आई बी पी एस पी ओ के कराने हैं तो मैं अपनी तरफ से टाइम मशीन में जाकर पेपर चेंज करूँ क्या पेपर जो पूछा गया वही तो कराएंगे थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल कीजिए चलिए ओके थैंक यू सो मच उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें क्लास रेगुलर दस बजे चलेगी तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत किया कीजिए क्लास में ठीक दस बजे आ जाया करो चलो